जो संत हनुमान गढ़ी में हनुमान जी की सेवा करते हैं, दुनिया का सब तो बड़ा ताकतवर भगवान भी उनकी सेवा करते हैं हनुमान जी के। महाराज हनुमान जी राम जी 4 बजे जागते हैं और हनुमान जी 3 बजे, और सोच लो महंत जी को 2:30 बजे जागना पड़ता है, और राम जी 10 बजे सोते हैं, हनुमान जी सेवा करके 11 बजे फ्री होते हैं, तो महंत जी कब सोएंगे? 12 बजे। 2.5 घंटे सोते हैं, 2.5-3, 2.5-3, और हमारे महाराज भी 3 घंटे सोते हैं। तो बड़ा कठिन है महाराज, हनुमान प्रबल विश्वास है, जब उस ढांचे का विध्वंस किया गया जो कलंक था हमारे देश के ऊपर, जब राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने विध्वंस किया उस ढांचे का महाराज, तो किसकी प्रेरणा हुई? श्री हनुमान जी की। यदि अब भी कोई जूझे रण में, यदि अब भी कोई जूझे रण में, जय हो, स्वागतम। हनुमान जी की इतनी महत्ता है, ये कोई मत बहन मत में बहन बहन पाल ले महाराज, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था कोई व्यक्ति अपने दिल में बहन मत पाले, इस बात नहीं पावरी तोड़ के दिखाए, तोड़ी है तो हनुमान जी ने तोड़ी। लखनऊपुर किला के महाराज प्रणाम मेरी तरफ से, और कुशम शास्त्री जी जिन्होंने इतने अपने प्रवचन यहाँ हमें सुनाए, हर चौक चौराहे पे मोहल्ले में जहाँ भगवान भोले शंकर जी को याद किया जाता है, ये सारा ये धर्मी महीना, और मैं अपनी आवाम को भी सबको यही कहता हूँ भी ये जो प्रवचन श्लोक हमने सुने, बहुत से लोग हमारे नौजवान बच्चे वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजों के ड्रामे फिल्में दूसरा तीसरा वो देखने की कोशिश करते हैं, अपना कल्चर देखें, जैसे अयोध्या जी की बात हुई, वाराणसी की बात हुई, यहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। नौजवान साथी ते सारी इतों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दविंदर और साढ़े रामलीला नाटक सभा के प्रधान, के अज एक साल होया ते अज जरा कथा दा सानू सुनने सौभाग्य मिलिया सारे, ते अज देखो मौसम भी इन्नी गर्मी ही, जियां जियां भगवान दा कथा दा रंग चढ़िया ते मौसम भी ठंडा हुई आ, क्योंकि साक्षात इन्हें आख्या कि जेड़े कल युग दे भगवान जरा जल्दी एक सेकेंड च जरा आशीर्वाद दिंदे, एक सेकेंड च सजा भी दे उड़दे, ओ संकट मोचन हनुमान जी न पवन पुत्र हनुमान, अस सच्चे मन कन्नै हनुमान जी कन्नै ध्यान लागे तो साढ़े सफल एक मिनट साढ़े सफलता होएगी। तो पहली खुशी मेरी शर्मा साहब से इस मंदिर के लिए इस तलाब के लिए जो पैसा सेंक्शन हुआ है, ये पैसा बहुत ही पुराने पता नहीं कौन सी कृपा की है इस स्थान के ऊपर इस कठुआ के ऊपर, जो इस जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो गया है, तो बिन प्रयास सागर तर ही सकल बालू कपिदारी, तो भगवान श्री राम ने भी ऐसा प्रयास किया कि सबको प्रयास करके उस पुल के ऊपर से गुजरना पड़ा, तो ये जो तालाब है इस तालाब के लिए
हर एक वर्ग जहाँ का बार नंबर 13 का 14 का कठुआ का जहाँ का शनिवार सोमवार को मछलियों को आटा पाने के लिए डालने के लिए आते हैं और सभी की तमन्ना यही है कि ये खूबसूरत स्थान बने और जहाँ का मिनी पर्यटन स्थल बने।